डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि भाजपा के लंबे शासनकाल के बाद भी यूपी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो काम अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में हुए थे उन्हें ही दिखाया व गिनाया जा रहा है। नगर निगम के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी प्रचार प्रसार जरूर कर रहे हैं, और वह जहां भी जा रहे हैं वहां कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड हर जगह खेल रहे हैं। गाजियाबाद के बाद मेरठ में भी सीएम योगी ने यही किया। सपा रालोद व आजाद पार्टी गठबंधन से समाज का हर वर्ग जुड़ रहा है। यही गठबंधन यूपी का भविष्य है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा शनिवार को मेरठ पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने यह कहा, मैं यहाँ पर आया बंगाल से, आज नहीं 3 दिन यहाँ पर है नगर निगम चुनाव का प्रचार के लिए। चुनाव नगर निगम का है, मैं कभी कोई नगर निगम चुनाव का प्रचार में कभी मैं नहीं जाते थे। आप सब सुना, मैं बंगाल में 30 साल कैबिनेट मिनिस्टर थे, 35 साल विधायक थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश से मैं सांसद बन के मैं पार्लियामेंट में गया था। तो मेरा राजनीतिक जीवन में मैं भी कभी नगर निगम चुनाव का प्रचार में नहीं आया नहीं किया। इस बार मैं आया कि इस बार जो उत्तर प्रदेश का नगर निगम चुनाव है, ये केवल एक मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव का बाद 7 महीना का बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है। हम लोग नगर निगम चुनाव का माध्यम से, देश का माध्यम से हम लोग जनता का अपील करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो हुआ, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आजाद समाज पार्टी, तीनों पार्टी मिलकर हम लोग जो गठबंधन किया, तीनों पार्टी मिलकर हम लोग जो प्रत्याशी उतराया, आपका माध्यम से जनता को मैं अपील कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी का मेयर प्रत्याशी को जिताइए, पार्षद प्रत्याशी को जिताइए, सभासद को जिताइए, अध्यक्ष को जिताइए। ये भाजपा का कोई विकास का काम नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। आप देखा, केवल उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहते हूँ। उत्तर प्रदेश में दो बार भाजपा का सरकार बन गई, और योगी आदित्यनाथ 2 बार मुख्यमंत्री बन गई। क्या काम उनका? इनकाउंटर करना, भ्रष्टाचार, बुलडोजर, यही तो उनका काम है। दलित का ऊपर अत्याचार, मुस्लिम को डराना, यही भाजपा का मुद्दा, यही भाजपा का काम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव में भाजपा को हटाने के लिए, समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? जाओ भी इनकाउंटर हो, कोई इनकाउंटर, कोई सुसभ्य सरकार नहीं करता है। आईन है, कानून है, इनकाउंटर कोई कानून नहीं है। इनकाउंटर का विरोधी हम लोग है। सरकार जो काम यहाँ पर करते हैं, इनकाउंटर जो करते हैं, जेल में जो मार डालते हैं, जो पुलिस का कस्टडी में जो मर्डर होता है, कोई सिविलाइज काम में ये काम नहीं होता है। लग रहा है उत्तर प्रदेश में जो सरकार है ना, भाजपा का सरकार, वो कोई सिविलाइज सरकार नहीं है। वो कोई कानून को नहीं मानता है, कानून को तोड़ना चाहते हैं। आज यही परिस्थिति उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ। क्या बुलडोजर देके जो घर को तोड़ देता है वो कोई कानून का काम होता है? जो दलित का ऊपर अत्याचार होता है वो कोई कानून का काम होता है? तमंचा क्या है भाजपा सबसे अच्छा जानता है, इसलिए तमंचा तमंचा बोल रहा है। क्यों? वो जानता है पूरा सरकार तमंचा से ही चलता है, और तमंचा से जो सरकार चलता है, इसलिए वो बोलते हैं पहले का सरकार तमंचा किया। आप सब जनता, आपका सब तो मालूम है, उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 जो अखिलेश जी का सरकार था, सपा का सरकार था, उसमें क्या काम हुआ? एक भी कोई कार्रवाई करने पाया? कितना CBI लगाया, कितना ED लगाया, कितना कुछ लगाया, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। जितनी भ्रष्टाचार भाजपा का सरकार में हुआ, केवल उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ भाजपा का सरकार है, हिंदुस्तान में जो सरकार है, सबसे ज़्यादा आज़ादी का बाद भ्रष्टाचार भाजपा का अमल में ही हुआ। गाजियाबाद में जो थे वहाँ देखा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नगर निगम चुनाव प्रचार में आए थे, मैं नहीं देखा।
क्या नगर निगम माध्यम में क्या काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार विकास का क्या काम किया, ये बात नहीं बताया। वहाँ भी आके हिंदू मुसलमान धर्म के लेके जनता को बांटाया, वहाँ भी आके अंतर्राष्ट्रीय का बात किया, वहाँ पे आके मोदी जी विदेश में जाके क्या किया वही बात किया। कोई भी विकास का बात नगर निगम चुनाव का माध्यम में भाजपा जो वादा किया था वो किस काम किया एक भी शब्द नहीं बताया, एक भी आश्वासन जनता को नहीं दिया। इसलिए मैं आपका माध्यम से विराट का जनता को मैं अपील करना चाहते हूँ, ये जो नगर निगम चुनाव है, नगर निगम चुनाव में हम लोग का मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान जी जो खड़ा हुआ, आज जो पार्षद खड़ा हुआ, आज जो सभासद खड़ा हुआ, जो अध्यक्ष खड़ा हुआ, सपा आरएलडी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन से उनके भारी बहुमत से जिताइए। विकास के लिए जो विकास का मुद्दा समाजवादी पार्टी का है, जो विकास का मुद्दा अखिलेश यादव का है, जो विकास का मुद्दा हम लोग का गठबंधन है, यही अपील मैं करने के लिए आपका पास आया। प्रेस वार्ता में मौजूद पूर्व राज्य मंत्री मोहम्मद अब्बास ने यह कहा। हिंदू मुसलमान विषय मुझे कहना है कि अखिलेश यादव जी ने तमाम मुस्लिम नेतृत्व को बुलाया था और हमारी पार्टी के भी मुस्लिम विधायक चाहते थे, लेकिन सब मुस्लिम नेतृत्व ने जो यहाँ कहा था उसमें अयूब अंसारी थे, आखिर मुर्तजा थे, निर्वाचित पार्षद थे, मैं था और कई लोग थे, सब ने विधायक भी थे हमारे, और सब ने यूनानिमसली तय किया था कि भाजपा के हिंदू मुसलमानों कार्ड को रोकने के लिए अतुल प्रधान ही सबसे सक्षम है। और आज आप देख लीजिए, अगर कोई हमारा मुसलमान प्रत्याशी होता तो भाजपा का वन में होता, पल्लवपुरम से प्रतापपुर तक और काजीपुर से फाजिलपुर तक समाजवादी का झंडा हर जगह लगा हुआ है और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। देखिए सब यही है, सब काम कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वे बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।